आज मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रतलाम के मोहन नगर में प्लास्टिक पाइप गोडाउन में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके और पेट्रोल पंप के पास स्थित गोडाउन में लगी आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मोहन नगर के कुछ घर भी आग और धुएं से प्रभावित हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने रिहायशी इलाके को खाली करवाया तो वहीं दमकल की 7 से 8 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई हैं। आपको बता दें यह गोडाउन बागारिया ट्रेडर्स के नाम से है जिसमें कृषि उपयोग के पीवीसी पाइप और केबल रखी गई थी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है लेकिन इसमें लाखों रुपए का कृषि उपयोगी सामान जलकर खाक हो चुका है। आग इतनी तेजी से फैला कि दमकल की 7 से 8 गाड़ियां आग बुझाने में काफी मशक्कत कर रही हैं। आग की लपटें इतनी तेज हैं, इसका धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। गोडाउन पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होने पर पुलिस प्रशासन ने भीड़ को हटाया और पेट्रोल पंप और रिहायशी इलाकों में आग नहीं फैले इसके लिए पुलिस प्रशासन ने दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं। एहतियातन पुलिस ने मोहन नगर के कुछ घरों को खाली करवाया है। रिहायशी इलाका होने के कारण आग बुझाने में दमकल की टीम को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है।